आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रिवा जोन में लगातार युवा वर्ग के अंदर बढ़ रही नशे की लत को कम करने का प्रयास रिवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा नशे के विरुद्ध रिवा एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रिवा जोन के स्कूल और कॉलेज में पुलिस अधिकारियों द्वारा पहुंचकर जहां युवाओं को जागरूक किया जाएगा, वहीं उन्हें नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई जाएगी। इसी कड़ी में आज नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय द्वारा शहर के सरस्वती स्कूल में पहुंचकर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए नशे के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया गया और शपथ दिलाई गई। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे युवा वर्ग तक पहुंचाना है और नशे के विरुद्ध जागरूक करना है। उस समय भी मैं कभी नशे की तरफ नहीं थी भाई। हम भी तो जा सकते थे ना, हम भी तो बच्चे रहे हैं, हम भी तो 9 साल बाहर रहे हैं, कौन से माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, कौन सा वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर मेरे पास तो एक आईना है, मेरे पिताजी ने जब मुझे बाहर भेजा, श्रीमान आईजीपी सर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सर के मार्गदर्शन में नशे के विरुद्ध रीवा एक अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के पालन के लिए भी लगातार जागरूक नागरिक बनाने के लिए समझाइश दी जा रही है, जिसके तहत आज हमने एक स्कूल कवर किया है, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, जो पहला स्कूल है हमने चुना था। वहाँ प्राचार्य से समय लिया था छात्रों को समझाइश देने के लिए, और इस जो नशे के विरुद्ध हमारा जो अभियान है ये लगातार स्कूल कॉलेजेस को कवर करेगा, रीवा के सभी स्कूल कॉलेजेस को कवर करेंगे हम, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे हैं वो नई पौध की तरह हैं और नई पौध में नशे का जहर ना पहुंचे, इसके लिए हम उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि वो समझें कि गलत क्या है सही क्या है, नशे के पास उन्हें नहीं जाना है, उन्हें कैसे नशे से दूर रहना है और अनुशासित जीवन शैली अपनाना है, व्यक्तित्व पर ध्यान देना है अपने, और यातायात नियमों का पालन करना है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं वो बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आएंगे, वाहन चलाएंगे। अभी वाहन का लाइसेंस उनके पास नहीं है, परंतु जो परिवारजन हैं, इनके परिजन हैं, वो वाहन चलाते हैं, तो उनको समझाइश दी गई कि आप अपने परिजनों को बताएं कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, वाहन को नो पार्किंग में नहीं खड़ा करें। जब बच्चे जो बच्चे हैं, जैसे जो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे भी बैठे हुए थे, वो बच्चे कई बार पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं जाने की कि मुझे भी साथ ले चलो, तो जब उनको बताया, बैठा के समझाया, तो उनको बताया कि अभी जिद के साथ आप ये भी कहिए कि पापा आपने हेलमेट नहीं लगाया है, ये हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है। तो हम तो जुर्माना और चलानी कार्रवाई कर रहे हैं, वो हम अपने नियमों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई जो भी होती है, पर चूंकि एक जिम्मेदार नागरिक की भी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बताएं और जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को समझें कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके जीवन रक्षा के लिए है।